Good evening everyone, welcome to Hassan Creations. Today I am going to discuss you about one more fort in India. आज मैं आपके सामने और एक फोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ और इस फोर्ट का नाम है सलीमगढ़ फोर्ट या सलीमगढ़ किला। सलीमगढ़ फोर्ट बना था 1546 AD में और ये फोर्ट दिल्ली में सिचुएटेड है यमुना रिवर आइलैंड में, जो पहले उसका नाम था यमुना रिवर आइलैंड। और सलीमगढ़ फोर्ट को बनाया था सलीम शाह सूरी ने। सलीम शाह सूरी ये था शेर शाह सूरी का लड़का। सलीम शाह सूरी था शेर शाह सूरी का लड़का। हमें पता है कि 1540 AD में शेर शाह सूरी ने मुग़ल के बादशाह हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ घाघरा में हराया था और अपना सूर डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया था दिल्ली में। और ये सूर डायनेस्टी 15 साल तक चला, 1555 AD तक, जब हुमायूं फिर से दोबारा अपना मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया दिल्ली में सिकंदर सूरी को हराकर, जो था सूर डायनेस्टी का लास्ट रूलर। और ये बताया जाता है कि इस फोर्ट में हुमायूं ने अपने दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले 3 दिन इस फोर्ट में था। और इस फोर्ट का और एक सच ये भी है, माना जाता है कि औरंगजेब जो मुग़ल एम्परर था, इस फोर्ट को प्रिजन में बदल दिया था, या मतलब जेल में, कैद खाना में। और बाद में ब्रिटिशर्स भी जब इस फोर्ट पर कब्जा किया तो उसने भी इस फोर्ट को एक प्रिजन बना दिया 1857 से। और ये फोर्ट एक रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, जो कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2007 में यूनेस्को इस फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया 2007 में। तो ये है सलीमगढ़ फोर्ट के इंट्रोडक्शन। चलिए जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। जिस लोकेशन पर इस सलीमगढ़ फोर्ट बनाया गया है वो लोकेशन दिल्ली के ज़मीन से 80 से 110 फीट के ऊंचाई में है, जिसके एक तरफ है यमुना नदी और दूसरे तरफ है अरवली रेंज के पहाड़। और ये लैंड एरिया से आपको जामा मस्जिद भी देखने को मिलेगा अगर आप इस फोर्ट पर चढ़े हैं। और इस फोर्ट के एक तरफ एक नदी है यमुना नदी और दूसरी तरफ पहाड़ है, ताकि इस फोर्ट जो है दुश्मन के आक्रमण से, ये फोर्ट जो है दुश्मन के आक्रमण से वहाँ के रूलर को बचा सके। तो ये एडवांटेज रखकर सलीमगढ़ फोर्ट को 1546 में इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में जब हुमायूं ने इस फोर्ट पर कब्जा किया तो हुमायूं ने सलीमगढ़ फोर्ट का नाम नूरघर कर दिया, नूरघर। और वो जब तक हुमायूं जिंदा था तब तक इस सलीमगढ़ फोर्ट को नूरघर किया जाता था। ये भी कहा जाता है जब ब्रिटिश के वक्त, ब्रिटिश रूल में जब 1897 में 57 में इंडियन रिबेलियन हुआ ब्रिटिश के खिलाफ, तो मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफर टू को इसी फोर्ट में कैदी बना लिया गया था। और इस फोर्ट ने बहुत सारी जंग देखी है। बहुत ये भी बोला जाता है कि इस फोर्ट से ही ब्रिटिश लोग अपना हथियार सब कुछ आर्टिलरी यहाँ पर रखते थे और इसी फोर्ट से जंग लड़ते थे। और जिसको भी कैदी या जिसको भी पकड़ाया जाता था उसको इस फोर्ट में कैदी बना लिया जाता था। ये हो गया आपके इस हिस्ट्री के बारे में। अब हम इसके बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। ये जो फोर्ट है एक ट्रायंगुलर फोर्ट है, इसके वॉल बहुत ही मोटा है और इसका वेस्टर्न सर्कुलर है। और वक्त वक्त पर इसको बहुत रिपेयर भी किया गया। और एक इस फोर्ट में एक ब्रिज है, इस फोर्ट से वो ब्रिज दिल्ली के रेड फोर्ट तक कनेक्टेड है। इसका मतलब
ये जो ब्रिज है इस सलीमगढ़ फोर्ट में, उस ब्रिज से आप रेड फोर्ट भी जा सकते हैं। और उस ब्रिज को बनाया था बहादुर शाह जफर के वक्त में, और उस गेट का नाम या ब्रिज का नाम रखा गया बहादुर शाह गेट। ये हो गया। अब हम सुनते हैं एज ए प्रिजन, ये फोर्ट को जब प्रिजन बनाया गया तब क्या हुआ। हम जैसे पहले बोले औरंगजेब के टाइम में इस फोर्ट को पहली मर्तबा प्रिजन में बदला गया। औरंगजेब अपना भाई मुराद बख्श को उसको पकड़ कर इसी फोर्ट में कैद बना लिया गया था, और बाद में उसको फिर ग्वालियर में शिफ्ट किया गया मुराद बख्श को, जहां पर उसको कत्ल कर दिया गया। ये भी बोला जाता है कि औरंगजेब ने अपना एल्डेस्ट डॉटर या बड़ी लड़की जेबुन्निसा को भी इस सलीमगढ़ फोर्ट में 21 साल तक कैद कर रखा, जब तक उसका मौत ना आ गया। क्योंकि हमें पता है कि औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, और औरंगजेब कभी भी जो इस्लाम के खिलाफ है वो चीज पसंद नहीं करता था। तो जेबुन्निसा क्योंकि एक पोएटिस थी और एक म्यूजिशियन थी, जो औरंगजेब को एकदम अच्छा नहीं लगता था, इसलिए औरंगजेब ने जेबुन्निसा अपनी ही लड़की को इस फोर्ट में कैद कर लिया 21 साल तक, और उससे वहीं पर इस कैद में जेबुन्निसा की मौत हो गई। और ये भी बताया जाता है कि अंग्रेज़ जब इस फोर्ट पर कब्जा किया तो अंग्रेज़ ने बहादुर शाह को भी इस फोर्ट पर कैदी बना लिया गया, और बाद में उसको फिर रंगून ले गया गया बर्मा में। ये है। और ये भी बताया जाता है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो प्रिजनर्स है उसको भी इस फोर्ट में इम्प्रिजन किया जाता था, कैदी रखा जाता था 1945 तक, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिला। और इंडिपेंडेंस के बाद सलीमगढ़ का फोर्ट आज नया नाम है स्वतंत्रता सेनानी स्मारक, इसलिए बनाया गया क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी के जितने भी सिपाही है वो इस फोर्ट में कैदी थे और इस फोर्ट में भी मर गए, इसलिए आज इस फोर्ट का नाम बना दिया गया स्वतंत्रता सेनानी स्मारक। और ये भी बोला जाता है कि जो भी इस फोर्ट में गया हमेशा उसको कुछ स्पिरिचुअल या घोस्ट उसका आवाज़ सुनने को मिला। एक जन तो बोला गया, एक वाकया ऐसा भी है कि जेबुन्निसा जो औरंगजेब की बेटी थी जो इस फोर्ट में मर गई थी उसको भी बहुत कोई ने देखा, वो काला भेल पहनी हुई थी और अपने गाना गा रही थी चांदनी रात में। और ये भी बताया गया कि इंडियन नेशनल आर्मी जो इस फोर्ट में कैद थे और उन लोग का भी दुख के आवाज़ चिल्लाने का आवाज़ सुनाई देता है, जिसको टॉर्चर करता था ब्रिटिश जो यहाँ पर मर गया। तो जिसको भी भूत देखने का शौक हो ज़रूर सलीमगढ़ फोर्ट जाए, आपको रात में सलीमगढ़ फोर्ट में सब कुछ ये देखने को मिलेगा। और तो ये हो गया फोर्ट एज ए प्रिजन। अब ये कंजर्वेशन फोर्ट को जब पहली बार इंडियंस मूवमेंट हुआ तो ये जब ब्रिटिश कंट्रोल के बाद ये फोर्ट इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ गया इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद 15 अगस्त 1947 में, और इसको यूनेस्को ने 1992 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इस फोर्ट को इंक्लूड किया। और ये फोर्ट आज का एक बहुत ही अच्छा फोर्ट माना जाता है। तो कोई भी अगर दिल्ली गए हो तो आप ज़रूर सलीमगढ़ फोर्ट का एक बार देख के आइए और हमें बताइए कि ये फोर्ट आपको कैसा लगा। आपको अगर मेरा इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और इसी तरह वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।